बॉलीवुड की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म की बात करें तो वो होने वाली है रामायण। जी हाँ, ऐसी चर्चा है कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है रामायण और बनाने वाले हैं नितेश तिवारी जिन्होंने छिछोरे जैसी मूवीज बनाई हैं और फिलहाल इसकी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने ये बताया है कि वो रामायण मूवी बनाने वाले हैं और रिसेंटली ऐसा हिंट दिया है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके हैं। ऐसी अपडेट्स बहुत समय से चल रही थी कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में राम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो फिलहाल नितेश तिवारी ने ये हिंट दे दिया है कि उन्होंने अप्रोच किया था ऋतिक रोशन को राम के कैरेक्टर के लिए और उन्होंने हाँ बोल दिया है। वहीं अगर हम बात करें बाकी की स्टार कास्ट की तो ऐसी बहुत देर से चर्चा थी कि इस फिल्म में हमें प्रभास नजर आने वाले हैं रावण के कैरेक्टर में, दीपिका नजर आने वाली है सीता के रोल में और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर को भी अप्रोच किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें रीसेंट अपडेट की तो नितेश तिवारी ने ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि ना तो इस फिल्म में प्रभास नजर आने वाले हैं, ना ही नजर आने वाली हैं दीपिका और ना ही श्रद्धा कपूर। फिलहाल अगर फाइनल का हिंट दिया है तो वो है ऋतिक रोशन के बारे में, यानी ऋतिक रोशन बिल्कुल फाइनल है रामायण में राम का किरदार निभाने के लिए। अब इनकी सीता कौन बनती है, रावण कौन बनता है, ये फिलहाल फाइनल होना बाकी है। बाकी इसको लेकर जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है नितेश तिवारी कर देंगे और ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऋतिक रोशन यानी राम की सीता कौन बनती है और नितेश तिवारी किसको कास्ट करते हैं सीता के रोल के लिए और रावण कौन बनता है बॉलीवुड का।